अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स हाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट राणा वसीम। आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ राजपूत। तो व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है चंदेल राजपूत। 36 शाही ख़ानदानों में से हैं। इनके मुतालिक मुख्तलिफ रिवायात हैं। कदीम कुतबों में इनका नाम चंद्रा तरीज मरकूम है। इन्हें चंद्रा तरीज राशियों की नस्ल से माना गया है। एशिया टक सोसाइटी बंगाल के मुहक्कीकीन को तकरीबन 150 साल पहले का लिखा हुआ एक शाही शजरा नसब मिला है, जिसमें चंदेल राजपूतों को कोरुओं की नस्ल से बयान किया गया है। मौजूदा वक़्त के चंदेलों का अपना बयान है कि वो राजा यदहस्टर पांडु की औलाद हैं। बाज़ इन्हें गरवारों यानी राठौरों की शाख तस्लीम करते हैं। 12वीं सदी विक्रमी में कलंजर से महोबे तक चंदेलों की वसी हुकूमत रही है। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान और महोबा के चंदेल राजा परमाल की लड़ाइयां मशहूर हैं। इस पर कन्नौज के गरदार राजा जयचंद, ये राठौर हैं राजा जयचंद, इन दोनों को लड़ाने की चाल तारीख में मौजूद है, जिसके सबब हिंदू राजों में फूट पड़ गई और मुसलमान हमलावर कामयाब हो गए। कानपुर के ज़िला में चंदेलों की खासी आबादी है और वहाँ के चंदेल दूसरे अजला की नस्बत मुमताज़ समझे जाते हैं, जैसे फिरोज़पुर के डोगर अपने आप को दूसरे डोगरों से अफजल समझते हैं। मिर्ज़ापुर, शाहजहानपुर, जौनपुर, बलिया, आज़मगढ़, गोरखपुर, बनारस, मंगेर, अनाओ और हरदोई अजला में भी पाए जाते हैं। मजमूई तादाद 80,000 के करीब है। पंजाब के पहाड़ी इलाकों में कश्मीर, जम्मू कश्मीर वगैरह के चंदेल राजपूतों का दावा है कि वो राजा शशपाल यादव के ख़ानदान से हैं, जो 745 विक्रमी के करीब चंदेल से आए। ये चंद्रवंशी कहलवाते हैं और अपना सिलसिला राजा गैरचंद से शुरू करते हैं, जो इनके बयान के मुताबिक राजा चेदी बानी चंदेरी की 37वीं पुश्त में था। जम्मू के चंदेल अक्सर मुसलमान हो चुके हैं। इनके रिश्ते नाते अमूमन मिनहास राजपूतों से होते हैं। रियासत बिलासपुर का मौजूदा हुक्मरान चंदेल राजपूत है। ये उस वक़्त की बात है, मौजूदा हुक्मरान इसलिए कहा उन्होंने। मिनहासों से रिश्ते यानी मिनहास अग्निकुल राजपूत हैं। तो व्यूअर, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।